हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू अन अकेडमी सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोपहर के 12 बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए सो हाउस द जोश ऑफिसर्स आ जाओ भाई सारे के सारे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा डेली जो होता है जिसका नाम है द जीएस एस पोस्ट मॉर्टम सीरीज भाई साहब तो इस सीरीज में हम लोग जो है ना पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं बहुत मेहनत करते हैं बच्चे लेकिन उन बच्चों का कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पढ़ाई करने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब है बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे गलती हो रही है भाई गलती हो रही है तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है अब बात यह है कि उस गलती को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस गलती का पोस्टमार्टम करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ बच्चों का एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है तो इसीलिए बेटा मैंने पोस्टमार्टम सीरीज शुरू करी है ताकि आपको यह मालूम चल सके कि एग्जाम का पैटर्न क्या है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों की गलती यह है कि बच्चे गलत चीजों को पढ़ रहे हैं और गलत चीजों को पढ़ने के वजह से बेटा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है मतलब तुम वो पढ़ते हो जो एग्जाम में नहीं आता है जो एग्जाम में आता है वो तो पढ़ते ही नहीं हो तो इसलिए बेटा इसको करना बहुत जरूरी था कि हम लोग एग्जाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करें <laughs> मैंने जो है सन 2017 से जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लिए हैं तो 2017 से बेटा मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया है टू से उठाया है और होता क्या है कि 2017, 18, 19, 20 और 21 का पेपर वन इन आ, करीब नौ पेपर्स को एनालाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है 2017 से पहले के ना एनालाइज करो तो भी चलेगा कारण यह है कि 2017 से पहले जो सीडीएस का लेवल था वो कंपैरेटिवली बहुत इजी था और आपको उसे करने की जरूरत नहीं है सारा बदलाव जो है वो 2017 से होता है ठीक है बच्चों आ जाइए प्रशांत सिंह प्रशांत सचिन थियोडोर जल्दी आ जाइए जल्दी है जल्दी फटाफट आ जाओ यार सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एक सप्ताह एक पेपर को देते हैं मतलब मंडे है ट्यूसडे है, है वेडनेसडे है और थर्सडे है ये चार हमारे दिन होते हैं तो चार दिन में हम क्या करते हैं तीस क्वेश्चन तीस क्वेश्चन तीस क्वेश्चन और तीस क्वेश्चन सो टोटल 120 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और 120 क्वेश्चन करने के बाद हम फ्राइडे को जो है क्या करते हैं फ्राइडे को बेटा हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश कर देते हैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है ताकि हमें मालूम चल जाए कि हम गलती कहां कर रहे थे हम एग्जाम के एनालिसिस को कर लें आज सीडीएस वन का पार्ट फोर है मतलब आज ये पेपर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक आज हम डिस्कस करेंगे तो आज ये पेपर हमारा खत्म हो जाएगा सीरियस वन और कल जो है बेटा हम लोग इसकी रिपोर्ट पेश कर देंगे ठीक है सो आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये देखो बेटा ये कितनी ये ये जो थॉट है ना ये मुझे बहुत पसंद है ये देखिएगा दुनिया क्या देख रही है ये सक्सेस देख रही है बेटा देखो दुनिया ये सक्सेस देखती है कि भाई ये जो आइसबर्ग ऊपर से दिख रहा है लोग ये देखते हैं लेकिन वो कितना गहरा है ये कोई नहीं देखता है दुनिया ने तो सक्सेस देखा लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो आपका त्याग है ना वो कोई नहीं देख रहा है भाई आप हार्ड वर्क कर रहे थे परसिस्टेंस से लेट नाइट्स आप जग रहे थे रिजेक्शन आपने झेले सैक्रीफाइजेस की डिसिप्लिन बनाया क्रिटिसिज्म झेला अपने डाउट्स क्लियर करे फेलियर्स को फेस किया रिस्क लिया तब जाके तुम्हें ये मिला है बेटा याद रखिएगा तो ये इतना आसान नहीं है इस सक्सेस को तो दुनिया देखती है लेकिन इसके नीचे की जो चीजें होती है ना जो आइसबर्ग के नीचे है वो कोई नहीं देखता है तो वो चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि बेटा ये सब जब चीजें करोगे ना तो एक चीज मिलती है तो जब दस चीजें करते हो तो एक चीज मिलती है याद रखिएगा ठीक है उस एक चीज के लिए लड़ो बच्चों उस एक चीज के लिए संघर्ष करो क्योंकि याद रखिएगा संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत बेटा उतनी शानदार होगी याद रखिएगा कहावत है ना कि संघर्ष जितना बड़ा होता है जीत उतनी शानदार होती है याद रखेगा नमस्कार तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं मेरा नाम कासिफ अंसारी है मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा हो चुका है डिफेंस एग्जाम में वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स अकेडमी प्लस पर ट्रूप ऑफ जीनियस का अवार्ड मिल चुका है दो लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं खुद भी बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्रफी इकोनॉमी करंट अफेयर मिसलेनियस सब कुछ मैं पढ़ाता हूं तो लेट्स क्रैक सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर सेशन प्लान अनलिमिटेड प्रैक्टिस अनलिमिटेड एक्सेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं इसके लिए बेटा अन्य लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो मैंडेटरी ऐप है सभी के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी करते हैं वैसे मैं बता दूं कि अन अकेडमी बहुत सारी कैटेगरीज में ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आने वाले समय में आपको हमारी और कैटेगरीज दिखाई देंगी आप देख सकते हैं अन अकेडमी पे सारी क्लासेस लाइव होती हैं और सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और तीन हजार से ज्यादा कोर्सेज आपको आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं मतलब यह है कि अन अकेडमी पर आपको एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं आपको जिससे पसंद हो आप उससे पढ़ सकते हैं ये आपको यहाँ पर कस्टमाइज चॉइस मिलती है आप हमारा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं स्पेशल क्लास में जाकर के मेरा कोड याद करिएगा क्यू ए लाइव और आप ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जहां से बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं मन करेगा मेरी स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं दोपहर को दो बजे और रात को आठ बजे ज दे सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अपडेट्स नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए ठीक है यह हमारा बैच शुरू हो चुका है जिसमें जीएस मैं पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी डॉक्टरिया और मैथ सुजीत सर पढ़ा रहे हैं याद रखिएगा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक महीने तीन महीने छह महीने बारह महीने चौबीस महीने वैसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन बारह और चौबीस महीने के होते हैं इसमें आप आराम से तैयारी कर सकते हैं दो बार सीडीएस दो बार एफ टेट दो बार आईनेट एक बार टेरिटोरियल आर्मी एक बार सीएपीएफ मेरा कोड याद रखिएगा क्यू एल लाइव और आपको 10 परसेंट फ्लैट डिस्काउंट मिलता है यह हमारा प्रैक्टिस बैच है शाम को छह बजे जहां पर बेटा हम लोग जो हैं जीएस की फ्री प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक वाइज और मंथली करंट अफेयर्स कल दोपहर को कराऊंगा साढ़े तीन बजे कल हम जनवरी 2021 पढ़ने वाले हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं चलो भाई सेशन को एक बार सारे लोग लाइक और शेयर दबा दें हंड्रेड प्लस हमें पहुंचना होता है हालांकि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं लेकिन कहते हैं ना बेटा ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड तो जब तक की कोशिश करते रहिए जब तक कि आप जीत ना जाए याद रखिएगा तो लगा दो बेटा एक बार सारे लोग आग एक बार फेसबुक पर टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर सेशन को शेयर कर दो हाँ जी तो याद रखिएगा हमारा जो सी डी एस वन है टू थाउजेंड एटीन का ये कंपेरिटिवली टफ पेपर था और इस पेपर में अगर आपके 40 प्लस मार्क्स आ जाते हैं जीएस में आज बताइएगा आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं तो अगर 40 प्लस मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी जो है वो काफी बेहतर अच्छी तैयारी है याद रखिएगा क्योंकि इस पेपर में स्कोर करना जो था वो काफी टफ था बेटा ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है नाइन्टी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था आपने देखा होगा बिज ई बिज के बारे में आपने सुना होगा इज वन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द थर्टी वन मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई बिज इज बींग इंप्लीमेंटेड अंडर द गाइडेंस एंड एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्फोसिस विप्रो या एस आपने सुना होगा ई e बिज हाँ जी तो ई e बिज के बारे में आपने सुना होगा जल्दी बताओ तो ये जो है बेटा डी पी डी डबल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है डी आई डब्ल पीपी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत चलता है तो ये इंटीग्रेटेड सर्विस है याद रखिएगा ये किसने शुरू करी थी याद रखिएगा बहुत बढ़िया राइट right आंसर बेटा बी हो जाएगा इसे जो है इंफोसिस टेक्नोलॉजीज ने शुरू किया था ज्यादातर लोग टाटा की तरफ गए होंगे मुझे मालूम है लेकिन टाटा बेसिकली जो है बेटा वो यूआईडी वाला काम ज्यादा कर रही है उसके अलावा पासपोर्ट्स वगैरह के काम कर रही है याद रखिएगा इसमें वो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है याद रखिएगा नेक्स्ट कंटेक्सट है वाइल्ड लाइफ का ये तो मैंने आपको कम से कम सौ बार यूट्यूब पर पढ़ाई होंगी ये चीज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑलिव रिडली टर्टल्स इज आर करेक्ट मैंने बहुत बार आपको ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में बताया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्टल होता है दे आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल थ्री टर्टल साउंड इन दर्ल्ड दे लिव इन दॉम वॉटर्स ऑफ पैसिफिक एटलांटिक एंड इंडियन ओशन द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्फ नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है आपको मालूम है कि जो कोरोमंडल कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर होती है बेटा हमारे देश में जो कोरोमंडल कोस्ट है उसका मतलब होता है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश सो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट होती है उसे कोरोमंडल कहते हैं जबकि आपने सुना है कि ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो बेटा आपके नॉर्दर्न सरकार कोस्ट मतलब उड़ीसा की कोस्ट पर मिलते हैं चिल्का लेक इसका सबसे बड़ा निस्टिंग ग्राउंड है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है तीसरा तो हो ही नहीं सकता मतलब ये दोनों तो अपने आप ही गलत हो गए अब ये वॉर्म वाटर्स में पाए जाते हैं उड़ीसा बिल्कुल सही है मतलब दूसरा तो होगा ही मतलब ये नहीं हो सकता तो राइट आंसर विल बी वन एंड टू याद रखिएगा हां जी सो वन एंड टू इज द राइट आंसर याद रखिएगा ठीक है सो वन एंड टू इज द राइट आंसर ये उड़ीसा में चिल्का लेक के आसपास आपको बहुत सॉलिड मात्रा में दिखाई देते हैं और याद रखिएगा जो आई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसमें जो है बेटा ये वल्नरे, कैटेगरी में आते हैं हैंबल का मतलब होता है जो खतरे में आ चुके हैं याद रखिएगा सो राइट आंसर वन एंड टू हो जाएगा याद रखिएगा ऑलिव रिडली टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यस yes, उड़ीसा में ये आपको अक्सर पाए जाते हैं याद रखिएगा तो ये चिल्का लेक के जो एरिया है वहां पर ये अक्सर आपको मिलेंगे बहुत छोटे होते हैं इतने इतने बड़े से होते हैं याद रखिएगा ठीक है जी आगे बढ़ते हैं ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ साउंड बॉडी मींस वन विच बेंड इट सेल्फ टू द स्पिरिट एंड इज ऑलवेज अ रेडी इंस्ट्रूमेंट एज इट एट इट्स सर्विस ये अब स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है बहुत खूबसूरत है भाई साहब सुना होगा साउंड बॉडी मींस विच बेंड इट्सल्फ टू द स्पिरिट एंड इट्स ऑलवेज रेडी रेडी इंस्ट्रूमेंट एट इट्स सर्विस ये सरदार पटेल के लिए कहा गया है विंसेंट चर्चिल महात्मा गांधी या बैड एन पावर चर्चिल के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इनके लिए भी नहीं कहा जा सकता अब इन दोनों में से एक होगा याद रखिएगा साउंड बॉडी है बेटा समझो या साउंड बॉडी तो साउंड बॉडी भाई हमारे गांधी जी याद रखिएगा विच बेंड इट सेल्फ याद रखिएगा टू द स्पिरिट राइट आंसर इज सी दैट इज महात्मा गांधी के लिए ये कहा गया है याद रखिएगा ठीक है <coughs> हाँ जी तो अब आप अब एट्रीब्यूटेड टू महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका हां जी आपको मालूम है कि 9 जनवरी 1915 का वो ऐतिहासिक दिन था जब गांधी जी याद रखिएगा <coughs> साउथ अफ्रीका से लौटे थे आपको मालूम है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब लौटे थे 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे पहुंचे थे तो एक बात बताओ किसके कहने पर भारत आए थे देखते हैं कौन बताता है तो गांधी जी किसके कहने पर भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे हम सबको मालूम है इसीलिए 9 जनवरी को हमारे देश में एनआरआई डे बनाया जाता है गांधी जी किसके कहने पर भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को जल्दी देखते हैं कौन सही बताता है बहुत अच्छा आपको मालूम है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे हां जी <clears throat> जल्दी बताइए बहुत अच्छा बहुत अच्छा और मैं आपको बताऊं कि 2018 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे बेटा 2019 तक हिस्ट्री बहुत टफ आई है 2020 से इजी होना शुरू हो गई है तो 2019 तक हिस्ट्री इतनी टफ थी कि सच बताऊं तो बेटा जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं जिन्होंने एमए वगैरह कर रखा वही जवाब दे सकते हैं याद रखिएगा गांधी जी दो लोगों के कहने पर भारत लौटे थे एक थे बेटा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और एक हुआ करते थे गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र जो कि एक जर्नलिस्ट भी थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज याद रखिएगा जिनसे गांधी जी की मुलाकात साउथ अफ्रीका में हुई थी याद रखिएगा आप देखेंगे भारत में जगह जगह पर एंड्रूजगंज होते हैं वो उन्हीं के नाम पर होते हैं चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज नमस्कार सनत त्रिपाठी आ जाओ बेटा चलो अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द फिनिक्स सेटलमेंट क्या बात है फिनिक्स सेटलमेंट किसने शुरू किया था महात्मा गांधी बी आर अंबेडकर रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी देता हूं कि इसे 1904 में याद रखिएगा डरबन में शुरू किया गया था अब तो बता दो हां जी इसे 1904 में डर्बन में शुरू किया गया था डरबन कहां है साउथ अफ्रीका में है बिल्कुल सही है शाबाश हां जी तो फिनिक सेटलमेंट 1904 में गांधी जी ने शुरू किया था याद रखिएगा हां जी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में याद रखिएगा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक तो बेटा जो लोग थे उनके अधिकारों की वो लड़ाई लड़ते थे इसके लिए उन्होंने एक चीज शुरू करी थी इसका नाम था फिनिक सेटलमेंट 1904 में डरबन में दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो भारतीय और एशियाई महाद्वीप के लोग थे जिनका शोषण होता था उनके लिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा। सो साउथ अफ्रीका में दो चीजें एक तो इंडियन ओपिनियन एक फिनिक्स सेटलमेंट और वो गांधी जी आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका में जो है एक कंपनी में काम किया करते थे जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जिसके लिए जो है वो केसेस लड़ते थे और एक दिन बेटा वो प्रिटोरिया से से केप टाउन जा रहे थे किसी काम से 1893 में और ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे थे जबकि साउथ अफ्रीका में बेटा अपार्ट हीट था मतलब वहां रंग भेद की नीति थी वहां पर ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठने के लिए टिकट नहीं बल्कि गोरा होना जरूरी था तो टीटी ने गांधी जी से कहा कि भैया यहां कैसे है तो गांधी ने टिकट दिखाया तो साउथ अफ्रीका में चेटी ने गांधी जी से कहा कि भैया देखो ऐसा है कि यहां पर फर्स्ट क्लास में बैठने के लिए टिकट होना नहीं बल्कि गोरा होना जरूरी है गांधी जी से साउथ टीटी ने कहा कि ट्रेन से उतर जाओ गांधी जी से ने कहा नहीं उतरेंगे और गांधी जी को बेटा एक बहुत ही फेमस स्टेशन है सेंट पीटर्स मैरिट्स रेलवे स्टेशन वहां पर टीटी ने धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया था याद रखिएगा सेंट पीटर्स मैरिट्सबर्ग आपको मालूम होना चाहिए बेटा जिस डब्बे से उन्हें गिराया गया था ना वो डब्बा आज साउथ अफ्रीका के नेशनल म्यूजियम में रखा है है ना बेटा वो क्रांति का प्रतीक है तो गांधी जैसे बनो बेटा वो हादसा होना गांधी जी के लिए बहुत जरूरी था वो हादसा ना होता ना कभी गांधी जी गांधी ना बनते अच्छा साउथ अफ्रीका की कोई बता सकता है मुझे खासियत क्या है साउथ अफ्रीका की खासियत क्या है जल्दी बताओ हु विल टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंस बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ अफ्रीका जोग्राफिकली तो ज्योग्राफिकली मुझे साउथ अफ्रीका की कौन इंपॉर्टेंस बताएगा जल्दी देखते हैं हां जी तो साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंस ज्योग्राफिकली मुझे कौन बताएगा जल्दी बताइए फास्ट जल्दी जल्दी, 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 जल्दी। हां जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों याद रखिएगा साउथ अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश की बेटा तीन राजधानियां हैं थ्री कैपिटल सिटीज हैं याद रखिएगा तो दुनिया का एकमात्र देश जिसकी तीन राजधानियां हैं एक है बेटा उसकी जुडिशियल कैपिटल जिसे प्रिटोरिया कहते हैं एक फाइनेंशियल कैपिटल है जिसे केपटाउन कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जिसे ब्लूम फोर्टेन कहते हैं सो प्रिटोरिया केपटाउन और ब्लूम फोर्टेन साउथ अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं याद रखिएगा बहुत अच्छा सो ये जोग्राफिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है अच्छा एक और क्वेश्चन भी है आपने देखा होगा ये ये देखिए ये अफ्रीका है बेटा हाँ जी और ये अफ्रीका में ये साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका में ये एक शहर है जिसका नाम है केप टाउन जोग्राफिकली इसकी एक और खासियत है ये वो शहर है जहां पर दो ओशियंस मिलते हैं बेटा जैसे इलाहाबाद आपने सुना है वहां दो नदियां मिलती हैं केप टाउन शहर में दो ओशियंस मिलते हैं एक इधर से आ रहा है अटलांटिक और एक इधर से आ रहा है इंडियन ओशन तो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों केप टाउन पे मिलते हैं और याद रखिएगा ये दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में है इसीलिए पुराने जमाने की सेलर्स जब केप टाउन पहुंच जाते तो बहुत खुश हो जाते मालूम था वो दुनिया के बीच में खड़े हैं अब आधी दुनिया इधर है और आधी उधर है इसलिए पुराने जमाने के सेलर्स ने केप टाउन को केप ऑफ गुड होप कहा उम्मीद की अच्छी किरण मतलब यहां पहुंच गए तो कहीं ना कहीं तो पहुंची जाएंगे ठीक है हां जी शाबाश जल्दी बहुत अच्छे शाबाश आ, नेम द प्लेटफॉर्म यूज फॉर रिचुअल पर्पसेज बाय द किंग्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर अरे यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये एक प्लेटफॉर्म होता था जो कि पत्थर से बना हुआ प्लेटफॉर्म होता था विजयनगर एम्पायर में आप कभी हम्पी गए हैं हम्पी जाइएगा हम्पी एक शहर है बेटा याद रखिएगा जो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन याद रखिएगा ये आज भी यहां पर लोग घूमने जाते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है खंडर है लेकिन बहुत बढ़िया लगता है बैंगलोर के पास आप जाएंगे तो हम्पी में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर के जो है बेटा प्लेटफॉर्म है जहां पर राजा जो है बेसिकली दशहरा सेलिब्रेट करते थे याद रखिएगा हां जी तो महा महावमनी डिब्बा लोटस महल हजारा राम या विरूपक्षा याद क्या कहा जाता था उसे जल्दी बताओ बहुत अच्छा तो विजयनगर एम्पायर के राजा इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे रिचुअल्स खास तौर से दशहरा बनाते थे याद रखेगा तो इसे कहा जाता था महानवनी डिब्बा याद रखिएगा। सो महानवनी डिब्बा हां जी इसे कहते थे बहुत अच्छे ठीक है हाँ जी हम्पी बहुत बढ़िया हम्पी जाइएगा कभी वहां पर आपको दिखेगा बहुत अच्छे भाई साहब लाइक और शेयर हो जाए एक बार फिर से दबा के भाई 44 हमारे लाइक हो चुके हैं मतलब अभी 100 लाइक्स में हम 56 दूर हैं अरे 56 तो बहुत होते हैं 56 तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। क्या बात है भाई साहब लगा दो आग एक बार बहुत बढ़िया तो इसे महानवनी डिब्बा कहा जाता था शाबाश नेक्स्ट हिस्ट्री है द आइडिया ऑफ फर्रेजादी ऑन विच ऑफ द मुगल किंगशिप वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेम्स फर्रे इजादी इसका मान मतलब क्या होता है बेटा फर्रे आजादी आपने सुना होगा बेटा ये किंगशिप का एक फॉर्मूला था किंगशिप का तो होता क्या था कि ऐसा माना जाता था जो राजा हैं उनके ऊपर जो भगवान की लाइट है जो भगवान की जो बेटा रोशनी है वो राजा पे पड़ती है और उससे राजा जो है एनलाइटेड हो जाता है और उसके बाद राजा का मेन काम होता है कि अपनी प्रजा को वो उस पाथ पे ले चले स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर ले चले बहुत बढ़िया तो राजा के ऊपर जो है भगवान की जो है रोशनी पड़ती है और राजा का, का काम है कि अपनी प्रजा को वो उस पद पर ले चले इसे बेटा जो है कहां चला गया मेरा पेन वेर इज माई पेन अरे भैया मेरा पेन कहा चला गया ये है सॉरी तो उसे बेटा फर्रे कहा जाता था तो ये जो है किस सूफी सेन ने कहा था तो राइट आंसर विल बी शहाबुद्दीन सुहर वादी याद रखिएगा यह बेटा एक पर्शियन ईरान के जो है सूफी संत हुआ करते थे शहाबुद्दीन सुहर वादी याद रखिएगा हां जी बहुत बढ़िया शाहबुद्दीन सुहरवादी राइट आंसर डिवाइन ऑफ़ गॉड गॉड शाबाश God से रिलेटेड है जैसे वो बलबन कहता था जिले बलबन और इसमें क्या फर्क है समझो बलबन कहता था कि मैं भगवान की परछाई हूं वो खुद अपने आप को भगवान मानने लग गया था बलबन इसीलिए तो लोग उसके हाथ पैर चूमते थे सिजदा करते थे उसके सामने तो बलबन में ये फर्क था जबकि यहां पर कहा कि भगवान जो है राजा पर अपनी रोशनी जो कहते हैं ना अपना नूर है वो डालता है और उसके बाद जो राजा का काम है वो अपनी प्रजा को उस पाथ पर ले जाना है याद रखेगा ठीक है हाँ जी तो शाहबुद्दीन साहब नेक्स्ट है बहुत बढ़िया हिस्ट्री का क्वेश्चन है विच बुद्धिस्ट कंटेंट एन अकाउंट ऑफ द मॉरियन एम्पर अशोक भाई अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग दे देंगे जल्दी बताओ मैंने आपको बताया है कि कौन सा बौद्ध लिटरेचर टेक्स ऐसा है जो सम्राट अशोक के बारे में बात करता है आपको मालूम है कि श्रीलंकन लिटरेचर हैं दो तो दो श्रीलंकन लिटरेचर हैं याद रखिएगा जिसमें अशोका के बारे में जिक्र है और यही वो लिटरेचर हैं जो बताते हैं कि अशोका ने 273 हंड्रेड से 269 हंड्रेड मतलब चार सालों में अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या की थी राजा बनने के लिए याद रखिएगा जी तो दो लिटरेचर हैं एक एक का का नाम नाम है दीप वंसा, नाम है दीप दीप वंशा और एक का नाम है महावंसा याद रखिएगा तो दीप वंशा और महावंशा ये दो श्रीलंकन लिटरेचर्स हैं जो कि अशोका के बारे में जिक्र करती हैं और इन्हीं लिटरेचर से मालूम चलता है कि अशोका ने राजा बनने के लिए अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या की थी जिसमें उसका बड़ा भाई जिसका नाम था सुसीमा वो भी शामिल था लेकिन इसने यह भी बताया है कि अशोका ने अपने सबसे छोटे भाई जिसका नाम था तिस्सा उसको छोड़ दिया था दरअसल अशोका को मिलाकर टोटल 101 भाई थे याद रखिएगा जिसमें अशोका का नंबर सवे नंबर पर था अब अशोकों का लगा कि अगर नंबर से नंबर आएगा तब तो कभी आने से रहा तो अशोक ने इस चक्कर में चार सालों में याद रखेगा एक व्यक्ति हुआ करता था राधा गुप्ता जो कि बेटा राजा बिंदुसार का जो है सेनापति हुआ करता था तो उसकी मदद से अशोका ने इन चार सालों में अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या की थी जिसमें उसका बड़ा भाई सुसीमा भी शामिल था लेकिन उसने अपने छोटे भाई जो सबसे छोटा भाई था जिसका नाम था तिस्सा उसको छोड़ दिया था याद रखेगा जी बहुत बढ़िया तो महावंशा और दीप वंशा ये दो किताबें हैं जो अशोका के बारे में जिक्र करती हैं बेटा विनय पिटाका मैंने आपको पढ़ाया है इसमें तो जो बौद्ध धर्म की मोनास्ट्रीज है उनका जिक्र है सुट पिटाका में गौतम बुद्धा जी ने जितने उपदेश दिए हैं उसका लक्षण है अभी धम्मा पिटाका गौतम बुद्धा जी की लाइफ और टीचिंग्स के फिलोसफी को डिजाइन करता है बिल्कुल सही है नेक्स्ट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट ध्यान से देखेगा बुद्धिस्ट स्तूप आपको मालूम है जो स्तूप होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं गौतम बुद्धा जी की जब मौत हुई तो उनको बेटा विलीन किया गया पंचतत्वों में उसके बाद उनके शरीर के जो अवशेष थे वो भारत के अलग अलग स्तूपों में गए याद रखेगा तो अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सुपा कल्ट बिल्कुल सही अशोका ने ही सबसे पहले सांची स्तूप बनवाया था देवर द ट्रेड रूट वर लोकेटेड इन द रूरल एरियाज बेटा यही तो बात है आप देखेंगे कि जितने भी हमारे स्तूप हैं वो बड़े बड़े शहरों में स्थित हैं भैया जैसे कि सांची स्तूप है तंजोर स्तूप है तो बेटा ये रूरल एरियाज में नहीं हुआ करते थे याद रखेगा बिल्कुल सही है आंखें सिर्फ सी पर ही लगी हुई हैं बहुत अच्छे शाबाश यही तो बात है भाई साहब तो आंसर अपने आप ही समझ में आ गया सांची स्तूप बेटा शहर में है तंजोर स्तूप शहर में है तो कैसे ये रूरल एरियाज में हो गया बात गलत हो गई राइट आंसर सी है कई बार क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं कॉमन सेंस लेकिन याद रखिएगा तभी आपका चलेगा एग्जाम में जब आप एग्जाम में ठंडे दिमाग से जाएंगे कॉमन सेंस याद रखिएगा एग्जाम में तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके दिमाग खाली ना हो मतलब कि दिमाग में अगर परेशानियां भरी होंगी एंजाइटी होगी टेंशन होगा तो कॉमन सेंस नहीं चलेगा इसीलिए बेटा एग्जाम वाले दिन बहुत बड़ी चीज होती है मैं आपको बताऊंगा एग्जाम वाले दिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें पालन करनी चाहिए वरना आपका जो कॉमन सेंस है वो उस दिन नहीं चलेगा और उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शंस का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली भाई ये तो बहुत आसान है वैसे तो सबसे ज्यादा सीटें आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इनमें से पूछा गया है तो पश्चिम बंगाल है बिहार है मध्य प्रदेश है तमिलनाडु है जल्दी बताइएगा हां जी ये तो आप आसानी से बता देंगे भाई मुझे मालूम है मध्य प्रदेश में 230 के आसपास है तमिलनाडु दो के आसपास है बिहार 240 के आसपास है पश्चिम बंगाल 290 के आसपास है एग्जैक्टली exactly अगर बताऊं तो पश्चिम बंगाल में दो सीटें हैं याद रखेगा सो टू सीट्स जो हैं पश्चिम बंगाल में है आउट ऑफ दीस वैसे अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में सो दैट इज इन उत्तर प्रदेश जहां पर 403 सीटें हैं, ऑब्वियस तीन बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा सीटें यूपी में हैं, याद रखिएगा हमेशा ठीक है हाँ जी नेक्स्ट है गवर्नर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज आर करेक्ट क्या बात है इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर कल ही आपको पढ़ाया है गवर्नर में आर्टिकल नंबर 213 के तहत गवर्नर जो है वो बेटा ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है ऑर्डिनेंस जिसे हम अध्यादेश कहते हैं बोले तो आधा आदेश मतलब ऐसा आदेश है जो कि आधा है याद रखेगा हां जी जल्दी देखिएगा तो अगर बात किया जाए इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर तो बेटा पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता अब इन दोनों में से है गवर्नर हिमसेल्फ इज नॉट कंपीटेंट टू विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड को देखिएगा हां जी द गवर्नर हिमसेल्फ इज नॉट कंपीटेंट अरे ऐसा नहीं है भैया गवर्नर चाहे तो ऑर्डिनेंस वापस भी ले सकता है हां जी सो राइट आंसर विल बी डी नाइदर वन नाइदर टू सो गवर्नर अगर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डिनेंस वापस भी ले सकता है भैया अगर देश में बवाला मच जाएगा तो ऑर्डिनेंस वापस भी लेना पड़ेगा सो राइट आंसर विल बी डी नाइदर वन नाइदर टू सो ही हैज द पावर टू टेक बैक द ऑर्डिनेंस शाबाश तो ये हो गया भैया हमारे हंड्रेड क्वेश्चन अभी बीस बाकी हैं एक बार फिर से दबाकर लाइक एंड शेयर हो जाए भाई फिफ्टी फोर लाइक हो चुके हैं हमारे फोर्टी सिक्स की कमी है अभी देखते हैं बच्चे कितना तेजी से करते हैं आज तो क्लास खत्म होने तक भैया हंड्रेड पहुंचाना है चलो देखते हैं आज बच्चे पहुंचाते हैं कि नहीं देखते हैं मुझसे कितना प्यार है याद रखिएगा ठीक है बेटा आयरिका रस्तोगी सेंटर में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत करता है स्टेट में गवर्नर 213 के तहत ठीक है हाँ जी शाबाश ओके अब देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट करेक्टली मैश नॉट करेक्टली मैश विद ईयर इन विच इट हैपेंड इनॉग्रेशन ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरबैंक फंड ट्रांसफर बेटा ये तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको आता होगा कंक्लूजन ऑफ दैट इन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट होल्ली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज नाट बेटा देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन नाइनटी फाइव में शुरू हुआ था बिल्कुल सही है क्यों शुरू हुआ था क्योंकि गैट को नाइनटीन में खत्म किया गया था बिल्कुल सही है और जो है 1971 में शुरू हुआ था सो राइट आंसर जो बेटा स्विफ्ट सिस्टम होता है यह गलत है क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम की शुरुआत जो है वो 1973 में की गई थी अब होता क्या है स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि आप रहते हैं भारत में आपका भाई रहता है अमेरिका में अब आपको भारत से अमेरिका में पैसा भेजना है तो जब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होता है तो स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है जी ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी भाई देखो डिफेंस जीके का क्वेश्चन आ गया इसीलिए कहते हैं बेटा डिफेंस जीके पढ़ लिया करो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी 102 को देखो आईटीबीपी वाज रेज इन 1962 आईटीबीपी इज बेसिकली माउंटेन ट्रेन फोर्स आई रिप्लेस आसाम राइफल्स इन सिक्किम अरुणाचल प्रदेश इन 2004 हजार चार बॉर्डर गार्डरिंग ड्यूटी ठीक है, हाँ है बेटा यही हमारी वो पुलिस है जो भारत की एम्बेसी को भी सुरक्षा देती है विदेशों में याद रखिएगा अभी अफगानिस्तान में भी ये फंसे हुए थे सो ये इंडिया चाइना वॉर के बाद शुरू हुई थी पहला तो गारंटी सही है मतलब ये नहीं हो सकता माउंटेन ट्रेंड फोर्स दूसरा गारंटी सही है मतलब कोई परेशानी नहीं है असम राइफल्स को सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में तीसरा गारंटी सही है मतलब यह भी नहीं हो सकता ठीक है हां जी और आई प्रेजेंटली 52 सर्विस बटालियन ये भी सही है राइट आंसर वन टू थ्री फोर सारे के सारे सही हैं राइट आंसर सी है तो सी इज द राइट आंसर इसीलिए कहते हैं बेटा डिफेंस जीके पढ़ो डिफेंस जीके से क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम में याद रखिएगा हां जी नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज नॉट एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी देखो मैं कहता हूं ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है तो इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी नहीं है मानवाधिकार ट्रीटी इनमें से कौन सी नहीं है इंटरनेशनल कन्वेन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द राइट ऑफ पर्सन विरेशन ऑन द राइट ऑफ डेवलपमेंट अब भाई धाम से देखो ध्यान से देखो इसका आंसर ना हो जाए तो गारंटी लिख दूंगा मैं भाई साहब इसका आंसर कैसे नहीं होगा बच्चों वाला क्वेश्चन है सो पूछा गया कि इनमें से कौन सी ह्यूमन राइट्स ट्रीटी नहीं है तो बेटा ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है राइट आंसर विल बी डी समझो तो ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है मुझे आंसर नहीं आता था सच बताओ लेकिन मैंने कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिया कि ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है ठीक है हां जी बहुत बढ़िया शाबाश इन द कंटेक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वी पैट क्या बात है भाई साहब वीवीपैट आपको मालूम है हमारे देश में क्या है कि ईवीएम पर बहुत आरोप लगने लगे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो भैया एक सिस्टम लाया गया वीवी वी पैट का ताकि भैया जब आप वोट डालें तो अंदर से पर्ची निकले कि आपका वोट इस व्यक्ति को और इस पार्टी को गया है देखो पैट तो सब लोग जानते हैं पैट में कंफ्यूजन नहीं होती पैट का मतलब होता है पेपर ऑडिट ट्रेल पेपर ऑडिट ट्रेल जी पेपर ऑडिट ट्रेल ये तो मतलब फिक्स है तो पेपर ऑडिट ट्रेल तो गारंटी है मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता ठीक है हां जी तो राइट right आंसर क्या है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल चलो भैया राइट आंसर सी है अरे मुझे बताएगा कोई आंसर हमारे देश में सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल कहां किया गया चलो देखते हैं कितने में है कितना दम तो हमारे देश में सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल कहां पर किया गया जल्दी देखते हैं फास्ट तो भारत में वीवीपैट सिस्टम का सबसे पहले इस्तेमाल कहां किया गया था याद रखिएगा हमारे देश में वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहली बार 2013 में नागालैंड के इलेक्शन में किया गया था जी सो so, नागालैंड में इलेक्शन में सबसे पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था दो में बेटा ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल केरला में किया गया था वीवीपैट सबसे पहले नागालैंड में आया था 2013 में शाबाश ईवीएम सबसे पहले हमारे देश में आई थी केरला में 1982 में याद रखिएगा जब ईवीएम बनी थी ईवीएम को हमारे देश में दो कंपनियां बनाती हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ये दो कंपनियां मिलकर बनाती हैं बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अब देखो कृषि सिंचाई योजना <coughs> अब समझो अब इस क्वेश्चन को बेटा कॉमन सेंस से कर लोगे मैं आपको गारंटी बताता हूं इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है अचीव कन्वर्जेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन भैया जब बात कृषि सिंचाई आ गई तो इरीगेशन तो सही हो होगा ही होगा टू एक्सटैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन बिल्कुल सही होगा टू इंप्रूव ऑन फॉर्म वाटर यूज एफिशिय भैया जब वाटर आ गया तो सही होगा टू प्रोटेक्ट फार्मर अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर बेटा क्रॉप फेलियर में सिंचाई योजना का काम क्या है क्योंकि आपको मालूम है कि जब क्रॉप फेलियर होता है तो उसके लिए भारत सरकार में एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाँ जी तो फसल बीमा योजना हाँ जी ये वो स्कीम है जो कि आपके क्रॉप फेलियर पे काम करती है तो फसल बीमा योजना जो होती है वो क्रॉप फेलियर पे काम करती है देखा बेटा इसे कहते हैं दिमाग लगाना कॉमन सेंस तो फसल बीमा योजना जो है वो बेसिकली जब क्रॉप फेलियर होता है तो उस कंडीशन में सरकार पैसा देती है भाई साहब 105 आधे क्वेश्चन हो गए लाइक एंड शेयर बहुत बढ़िया अभी हम 100 से 36 दूर हैं अभी सिर्फ 64 फोर हुए हैं एक बार में इस बार 70 प्लस पहुंचेंगे भाई साहब इस बार 70 प्लस पहुंचेंगे एक बार में गारंटी है बच्चों सारे लोग लाइक बटन दबा दें एक बार दबा के बहुत बढ़िया शाबाश चलिए तो भाई शाम को छह बजे यह प्रैक्टिस बैच आपके लिए बहुत जरूरी है और कल साढ़े तीन बजे मंथली करंट अफेयर्स चलिए गवर्नमेंट स्कीम का एक और क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निर्यात निर्यात बंधु स्कीम अब देखो बेटा अपना दिमाग लगाओ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो निर्यात निर्यात बंधु तो निर्यात का मतलब क्या है निर्यात मतलब कि सरकार जो है हमारे देश में निर्यात का मतलब है एक्सपोर्ट तो दिस इज स्कीम फॉर मॉनिटरिंग रूरल पुअर अब रूरल पुअर का जो है निर्यात से क्या लेना देना गलत है इट इज स्कीम फॉर द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अरे वनरेबल सेक्शन के लिए सरकार पीवीटीजी जैसा चीजें बनाएगी ये भी गलत है क्रॉप प्रोटेक्शन क्या करेगी सरकार यहां पर निर्यात और क्रॉप प्रोटेक्शन का क्या लेना देना बिल्कुल गलत है एंटरप्रेन्योर्स यस तो सरकार जो है एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है शाबाश बेटा सरकार एंटरप्रनोर को बढ़ावा दे रही है ताकि हमारे देश में एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके देखा समझ रहे हो बेटा कितना ज्यादा आपको इजी लग रहा है क्यों क्योंकि सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप आपने कुछ नहीं किया आप सिर्फ कॉमन सेंस हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आता हो नहीं भी आता है ना तो भी कॉमन सेंस से कर सकते हो मैं सच बताऊं कि आपके जो 120 क्वेश्चन जीएस में आते हैं कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको लगाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पंद्रह क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको पंद्रह क्वेश्चन का सीधे सीधे मतलब होता है बारह नंबर बारह नंबर बेटा सोचो जीएस के सेक्शन में आपको एक्स्ट्रा मिल जाए तो भैया वाह वाही हो जाएगी जीवन में आपकी नेक्स्ट अब देखो फिर गवर्नमेंट स्कीम्स का क्वेश्चन आया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ज नॉट करेक्ट समझो बेटा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ग्रामीण का मतलब है रूरल कौशल कौशल का मतलब है स्किल और योजना का मतलब है प्रोग्राम समझे बेटा तो रूरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है समझे बहुत बढ़िया इट इज इट इज जनरेशनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो भैया जब कौशल योजना है तो पावर्टी से क्या लेना देना गलत स्टेटमेंट बेनिफिट मोर देन 55 मिलियन रूरल फोर बिल्कुल गलत है इट एम्स टू कन्वर्ट इंडिया डेमोग्राफिक सरप्लस इंटो डेमोग्राफिक डिविडेंड गलत है इट इज इज नॉट सॉरी 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 पूछा गया है कौन सा नॉट करेक्ट है सॉरी सॉरी बच्चों यहां पूछा गया कौन सा नहीं कलेक्ट है तो भैया देखो अब आपको मालूम है कि हमारे देश में सबसे पहले सॉरी 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 हमारे देश में जो भी स्कीमें आती हैं बच्चों याद रखिएगा वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं कॉमन सेंस लगाओ तो जेंडर न्यूट्रल होती हैं जेंडर न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें आदमी औरत की बात नहीं होती है लेकिन यहां पर गर्ल्स की बात आ रही है देख रहे हो जब भैया यहां पर गर्ल्स की बात आ रही है इसका मतलब क्या है यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कोई भी स्कीम जो होती है वो जेंडर न्यूट्रल होती है हाँ जी तो स्कीम जो होती है वो जेंडर न्यूट्रल होती है क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा संविधान कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट कलर जेंडर एंड द प्लेस ऑफ बर्थ राइट आंसर विल बी ए तो जेंडर न्यूट्रल सॉरी बच्चों ठीक है आगे वेयर हमबन टोटा अरे यार ये तो आपको मालूम क्रिकेट मैच देखने वाले बच्चे बता देंगे इसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है हम्बन टोटा tota पोर्ट कहां पर है ईरान श्रीलंका जापान पाकिस्तान ये पोर्ट आप बता देंगे जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे क्योंकि यहां पर क्रिकेट मैच भी होते हैं बहुत फेमस है हम्बन टोटा tota. आपको मालूम होना चाहिए इस पोर्ट को चाइना ने निन्यानवे ईयर्स के लिए लीज पर लिया है तो चाइना ने इस पोर्ट को नाइनटी नाइन ईयर्स के लिए लीज पर लिया है हां जी जल्दी बताइएगा अब तो बता ही दोगे हम्बन टोटा कहाँ है हम्बन टोटा इट इज सिचुएटेड इन श्रीलंका जी हां बिल्कुल सही है राइट आंसर बी है श्रीलंका में स्थित है बेटा हम्बन टोटा जी हाँ यहाँ क्रिकेट मैचेस भी होते हैं और ये पोर्ट जो है इसे श्रीलंका ने चाइना ने जो है लीज पर लिया है निन्यानवे सालों के लिए याद रखिएगा आजकल आप देख रहे होंगे चाइना बहुत सारा हाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है श्रीलंका में अभी आपको मालूम है कोलंबो पोर्ट सिटी भी आपको श्रीलंका में जो है चाइना ही बना रहा है याद रखे बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करंट अफेयर्स द प्रोजेक्ट अंडर द कोस्टल बर्थ स्कीम ऑफ द फ्लैगशिप सागरमाला प्रोजेक्ट ये तो सुना होगा आपने आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाउ मेनी स्टेट्स अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है भाई ये जब तक सागरमाला प्रोजेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है सागरमाला प्रोजेक्ट आपको मालूम है कि हमारे देश में दो प्रोजेक्ट्स हैं एक सागरमाला और एक भारतमाला ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हेलो 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 आ जाओ जल्दी बताइए आ जाइए मोनिका बेटा आ जाओ आरब लेफ्टिनेंट सुधांशु ठाकुर जवाब दो भैया तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है बेटा इसका सबसे अच्छा तरीका ये है अगर आपको आते हैं तो ठीक है तुक्का मत मारो अगर आता है तो ठीक है वरना तुक्का मत मारना क्योंकि ये ज्यादातर गलती होगा याद रखिएगा हाँ तुक्का मारने का फायदा नहीं है वैसे ये आठ राज्यों के लिए आया था याद रखिएगा मैं आपको बता दूं याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बारह हैं आंध्र प्रदेश और गोवा में दस हैं कर्नाटका में छह हैं केरला और तमिलनाडु में तीन हैं गुजरात में दो और पश्चिम बंगाल में एक याद रखिएगा हां जी ठीक है हालांकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बताओ कैसे <laughs> सुनो बेटा भारत में टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने हैं भारत में टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने हैं थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो हो जाता कोस्टल स्टेट हमारे देश में नौ है तो भाई गुजरात है महाराष्ट्र है गोवा है कर्नाटका है केरला है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और वेस्ट बंगाल नौ राज्य हैं अब ऑप्शन में नौ तो है नहीं तो आठ दस तो हो नहीं सकता बारह हो नहीं सकता फोर्टीन हो नहीं सकता तो कोस्टल स्टेट के हिसाब से आप लगा सकते थे तो हो जाता विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज क्या बात है शनल एडप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इज नॉट करेक्ट ध्यान से देखिएगा हाँ जी जल्दी देखिएगा सो द नेशनल फंड इज मेट टू असिस्ट नैशनल स्टेट लेवल एक्टिविटीज टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडाप्शन मेजर्स द स्कीम हैज बीन टेकन एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द फंडीम हैज बिन इन्फोर्स इन दो हजार पंद्रह सोलह अब देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को क्या कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं कर सकते नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज अब नेशनल फंड है क्लाइमेट चेंज के लिए अब फंड की बात हो रही है तो फंड की बात हो रही है वो भी क्लाइमेट चेंज के लिए तो भैया जब बात आती है कि क्लाइमेट चेंज का फंड है तो भैया इसमें आई क्या करेगा एक बात बताओ ना मुझे आईसीएर इसमें क्या करेगा घास खिलेगा भैया इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ये तो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बना हुआ है ये क्या करेगा यहां पर घास होना छीलेगा गलत राइट right आंसर बेटा नाबार्ड है तो नाबार्ड जो है वो इसका याद रखिएगा हां जी वो नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी है याद रखिएगा तो आईसीआर कैसे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई आंसर मिल गया 110 क्वेश्चन हो गए बस अब बचे हैं लास्ट के 10 क्वेश्चन सीडीएस डी एस वन दो हजार अट्ठारह भाई साहब दस क्वेश्चन बचे हैं सेवेंटी सेवन लाइक हो चुके हैं हंड्रेड में सिर्फ ट्वेंटी थ्री बचे हैं अब देखते हैं कौन पहुंचाता है ट्वेंटी थ्री और इस बार जैसे ही मैं क्वेश्चन से हटूंगा तीन तो बढ़ जाएंगे अस्सी तो हो गए भैया गारंटी अस्सी तो पहुंचा दिया बच्चों ने लाइक बटन थोक दो यार अगर बढ़िया लग रहा है शाबाश जल्दी से अस्सी पहुंचा दो अभी तुरंत ट्वेंटी थ्री बचे हैं सिर्फ लाइक्स हंड्रेड पहुंचने में हम लोग बहुत अच्छे शाबाश 78 एट एट पहुंच गए क्या बात है बहुत बढ़िया शाबाश आगे अब ये देखो भैया करंट का है डिफेंस एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अरे यार दसियों साल से पढ़ लो संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच होती है इंडिया और भूटान बांग्लादेश पाकिस्तान म्यांमार पाकिस्तान से तो हम एक्सरसाइज करेंगे ही ना ठीक है छोड़ दो ठीक है तो भूटान बांग्लादेश म्यांमार पाकिस्तान के साथ तो हम करने से रहे भैया ठीक है हाँ जी जल्दी बताओ तो इज अ वेरी फेमस एक्सरसाइज जी तो ये संप्रीति एक्सरसाइज जल्दी बताओ शाबाश बेटा ये जो है हम बांग्लादेश के साथ करते हैं बहुत इजी है यार ये तो सबको मालूम है तो संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है याद रखिएगा हां जी ये बेटा याद रखिएगा ये जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम में हुई थी याद रखिएगा ठीक है हां जी होए 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 बहुत बड़ा क्वेश्चन है द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द विशाखा केस परटेन्स टू भाई साहब आपने सुना होगा विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत बड़ा केस है भाई साहब ऐतिहासिक केस है एक महिला थी जिनका बेटा सामूहिक बलात्कार किया था लोगों ने और उसके बाद वो कोर्ट चली गई थी याद रखिएगा हां जी हालांकि लोगों को लगा था याद रखे इन्होंने जो सिंह का सिर्फ इतना सा इनका सिर्फ इतना सा बेटा जो है कसूर था इन्होंने राजस्थान में जो है चाइल्ड मैरिजेस का विरोध किया था बाल विवाह का विरोध किया था तो इनको किडनैप करके शी शिव गैंग रेप याद रखिएगा हां जी 1993 में ये बुरी हालात में राष्ट्रीय महिला आयोग में पहुंचकर इन्होंने शिकायत दर्ज करी थी और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर एक बहुत ही फेमस गाइडलाइंस निकाली थी जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइंस और विशाखा गाइडलाइंस हमारे देश में क्यों आई थी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस तो जब किसी महिला के साथ सेक्सुअल ऑफेंस उसके ऑफिस में हो जाए तो वहां पर कार्यवाही विशाखा गाइडलाइंस के तहत होती है 1997 में याद रखिएगा हां जी मैंने एक बार नहीं पचासों बार क्लास में पढ़ाया है विशाखा गाइडलाइंस याद रखिएगा हां जी ये राजस्थान में हुआ था ये एक महिला है जो राजस्थान के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करती थी और राजस्थान में इन्होंने थोड़ा सा विरोध कर दिया था चाइल्ड मैरिजेस का जिसके चक्कर में इन्हें किडनैप करके इनका गैंगरेप किया गया था याद रखेगा हां जी चावश। ओए होए 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 द फर्स्ट ब्रिक्स समिट आफ्टर द इंकलजन ऑफ साउथ अफ्रीका ओए होए भाई आपको मालूम है ब्रिक्स 2009 में ब्रिक्स शुरू हुआ था आपको मालूम है पहले था ये ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना लेकिन 2010 में जो मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में वहां डिसाइड किया गया कि भैया साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया जाए तो ब्रिक्स बन गया सो so, पहली बार साउथ अफ्रीका ने 2011 में जो है पार्टिसिपेट किया था अब बात यह आती है कि पहला ब्रिक्स समिट जिसमें साउथ अफ्रीका आया था तो 2011 की समिट कहां हुई थी बस समझ लो तो भैया 2011 की समिट आपको मालूम होना चाहिए कहां हुई थी तो 2011 की समिट जो है सानिया में हुई थी जो कि चाइना में है तो चाइना के सानिया में हुई थी याद रखिएगा हां जी बिल्कुल सही है और साउथ अफ्रीका ने पहली बार यहीं पर हिस्सेदारी ली थी 2011 में 2010 में ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में वहां पर साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था पहले ब्रिक्स जो था वो ब्रिक था ब्राजील रशिया इंडिया चाइना अब जो है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका है हांजी शाबाश तो राइट आंसर सी है नेक्स्ट ओय हो ब्रह्मी एंड द खारूस्थी स्क्रिप्ट बहुत आसान है भाई अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि अशोका ने हमारे देश में टोटल थर्टी नाइन रॉक्स एंड पिलर्स लगवाए थे तो अशोका ने पूरे भारत में थर्टी नाइन रॉक्स एंड पिलर्स लगवाए थे तो उसमें दो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था ब्रह्मी और खारोष्ठी जबकि जो भाषा उसमें इस्तेमाल होती थी वो थी अर्ध मगधी याद रखेगा तो अर्ध मगधी भाषा का इस्तेमाल होता था और ब्रह्मी खारोष्ठी थी तो कौन है पियादस्सी तो अशोका का ही नाम था ये तो गलत हो गया याद रखिएगा डेसीफर्ड मतलब किसने उसे डिकोड किया था तो याद रखिएगा एक ही व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप यही वो व्यक्ति थे बेटा डी करने के लिए आपको मालूम है कि हमारे जो वॉरेन हैस्टिंग्स थे उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी खोली थी बंगाल में विलियम जोन्स की मदद से और वहीं पर डेसीफरेशन का काम चला था याद रखिएगा सो राइट आंसर विल बी जेम्स प्रिंसेप ये एशियाटिक सोसाइटी में ही तो थे हां जी हां जी हां जी हिस्ट्री का क्वेश्चन है भैया तगड़ा क्वेश्चन है आसान नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द ब्रह्मा दे ब्रह्मा दे ग्रांट्स अब सुनो भैया ब्रह्मा दे ब्रह्मा ब्रह्मा दे ग्रांट्स अब क्या होता था समझो बेटा ब्रह्मा दे मतलब ब्राह्मण तो ब्राह्मण्स को ब्राह्मण्स को जो ग्रांट्स दिए जाते थे उसे ब्रह्मा दे कहा जाता था क्योंकि बेटा राजा महाराजाओं को लगता था कि अगर ब्राह्मणों को खुश रखा जाएगा तो उनका शासन भी अच्छा होगा याद रखिएगा हां जी तो ब्रह्मा दे क्या है जमीने जो है ब्राह्मणों को दी जाती थी तो देयर क्रिएशन द स्टेट बिल्कुल सही है स्मॉल प्लॉट टू सेटल्ड एरियाज बिल्कुल गलत है बेटा याद रखिएगा क्योंकि जो हमारे ब्राह्मणों को जो बेटा जमीनें दी जाती थी वो ऐसे एरियाज में दी जाती थी जहां बढ़िया इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह हो तो अनसेटल्ड एरिया में नहीं सेटल्ड एरिया में क्योंकि ब्राह्मणों को आप जमीन से वैसे ही नहीं दे सकते थे क्योंकि राजाओं को लगता था बेटा याद रखिएगा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो शक्तिशाली होते हैं और इसलिए जो है ब्राह्मणों को खुश रखना बहुत जरूरी था तो राजाओं को बेटा ऑब्वियसली बात है कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो राजाओं को एड एंड एडवाइस करते थे बहुत सारे मैटर्स में तो राजा का एक्चुअल में जो शासन था वो ऑन द एडवाइस ऑफ द ब्राह्मण्स जो क्षत्रिय राजा होते थे वो बेसिकली ब्राह्मण एडवाइस पे ही काम करते थे हां जी शाबाश बहुत बढ़िया तो ये हो गया भैया 115 लास्ट के पांच क्वेश्चंस बचे हैं और 17 लाइक्स की कमी है लगता नहीं है पहुंचा पाएंगे आज 17 लाइक्स चाहिए हमें और पांच क्वेश्चन बचे हैं देखते हैं भैया कौन पहुंचाता है आज भाई आप लोग आज ईमानदारी से अच्छे तरीके से आए हैं ये बात अच्छी लगी मुझे याद रखेगा हां जी तो ये अच्छा लगा देखते हैं कौन पहुंचाता है आज हंड्रेड तक आज हंड्रेड तक पहुंचा के लोग खुश करते हैं या नहीं करते हैं बहुत मजा आने वाला है चलो भाई एट्टी थ्री एट्टी सेवन बहुत बढ़िया शाबाश चलिए अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द मनी मनी मेकलाई मनी में कलाई का ऑथर कौन है ये भैया देखो अब ऐसे क्वेश्चन स्किप करना ही बेहतर होता है सच बताऊं, क्योंकि मुझे गारंटी है कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ये मनी मेकलाई इसका ऑथर कौन है कोवलम साथनर, इलांगो अडिगल तिरुता कटेवर जल्दी बताइएगा तो मनी मेकलाई ये भैया बहुत ही यूनिक किताब है और बेटा आप टेंशन ना लीजिए ऐसे क्वेश्चन अब आते नहीं है याद रखेगा मनी में मनी मेकलाई एक सौ सो सोलह को देखिएगा राइट आंसर वैसा बी है बेटा साथनर साथनर तो इज द ऑथर ऑफ द बुक मनी मेकलाई पोयम इन थर्टी कैंटोन स्टोरी ऑफ अ सीक्वल ऑफ एन एपिक दैट टेल्स द स्टोरी दैट कन्वर्टेशन टू बुद्धिज्म कोवलम एंड माधवी सो कोवलम और माधवी की जो बेटी थी उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो इसको लिखा है किताब में लिखा था याद रखिएगा सीतालाई सथानर ने याद रखेगा जी बहुत बढ़िया <coughs> अरे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंटा आइलैंड अरे यार ये क्या ये ये भी कुछ भी लिख देते हैं हमारे टाइप वाले हिस्ट्री एलिफेंटा तो भैया ये तो आप बता दोगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है इस करेक्ट कौन सा सही है जी जल्दी बताओ एक सौ तो सत्रह इस करेक्ट हां जी भैया जल्दी बताओ एलिफेंटा रे बॉम्बे गए हो गए बॉम्बे में जब गेटवे ऑफ इंडिया में जाओगे तो वहां पर खड़े रहते हैं लोग आओ 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 एलिफेंटा ले चले एलिफेंटा ले चले सो इट वाज गिवन इट्स नेम बाय द ब्रिटिश बेटा पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए कि बॉम्बे जो था इट वाज अ पार्ट ऑफ द डच सॉरी इट वॉज अ पार्ट ऑफ द पोर्चुगीज तो बॉम्बे वॉज द पार्ट ऑफ द पोर्चुगीज तो बॉम्बे पॉर्चुगीज का हिस्सा था यह स्टेटमेंट गलत हो गया आपको मालूम है कभी एलिफेंटा के केव में गए होंगे वहां एक नहीं पांच केव हैं बेटा याद रखिएगा हां जी ये भी गलत इट इज वेल नोन फॉर स्पेक्टिकुलर कार्विंग ऑफ विष्णु बिल्कुल गलत है बेटा भगवान शिव वहां पर हां जी पशुपति महादेव है राइट आंसर इज डी पशुपता सेट हां जी पशुपता पशुपति महादेव भगवान शिव है भाई वहां पर याद रखिएगा हां जी एक <coughs> बेटा विष्णु जी नहीं वहां पर याद रखिएगा हां जी भगवान शिव याद रखें पशुपति महादेव राइट आंसर इज डी डी इज करेक्ट पशुपता ओए होए, हिस्ट्री का है क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर सैयद अहमद खान सैयद अहमद खान यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बेटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी थी आपको मालूम होना चाहिए ही आर्ग्यूड दैट इंडिया वॉज अ फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज बेस्ड ऑन कॉमन डीसेंट बिल्कुल सही है बेटा वो अपने मुसलमानों की बातें रखना चाहते थे तो कहते थे कि भैया इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज बिल्कुल सही है वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा यही तो लड़ाई का मुद्दा था उनका उनका सबसे बड़ा याद रखिएगा लड़ाई का पहले अच्छा थोड़ो, अब थोड़ा अब वो लगाते हैं यहां पर एलिमिनेशन दस एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ब्लेंडेड मुस्लिम थियोलॉजी बेटा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसी को तो बाद में एमयू कहा गया मतलब चौथा गारंटी सही है चौथा गारंटी सही है आंसर देखो अपने आप ही आ गया आंसर अपने आप ही आ गया बेटा देखा एलिमिनेशन लगाया आंसर अपने आप ही आ गया हां जी क्योंकि बेटा फिलोसफी और सिमिलर कांग्रेस से बहुत ही खफा थे बेटा और याद रखेगा इंडिविजुअल राइट बिल्कुल नहीं उनका कहना था कि जो कांग्रेस है वो असल में सिर्फ हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है यही उनकी लड़ाई थी तो उनको लगता था जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं के प्रोटेक्शन की लड़ाई लड़ती है उसमें मुसलमानों का प्रोटेक्शन नहीं है याद रखेगा हां जी तो कांग्रेस से काफी खफा रहते थे वो हां जी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या बात है डिमांड इज इन इलास्टिक रिलेटेड टू सप्लाई हांजी अ टैक्स इज शिफ्टेड बैकवर्ड टू द प्रोड्यूसर्स इफ द सप्लाई इज रिलेटिवली मोर इन इलास्टिक दैन डिमांड क्या बात है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आसान भी है टैक्स इज शिफ्टेड फॉरवर्ड टू कंज्यूमर्स इफ डिमांड इज इन इलास्टिक बिल्कुल सही बात है अगर डिमांड इन इलास्टिक होगी तो कस्टमर पे जाएगा और अगर सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर पे जाएगा बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर आसान क्वेश्चन है सी इज द राइट आंसर पाकिस्तान का आइडिया बेटा सबसे पहले 1940 में आया था याद रखेगा पाकिस्तान का आइडिया सबसे पहले 1940 में आया था बच्चों जब जो लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने याद रखिएगा वहां पर आया था बात पाकिस्तान की पहली बार तो 1940 में पाकिस्तान नाम जो है वो पहली बार 1940 में आया था याद रखिएगा हां अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को आप लगातार 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 कंज्यूम करते जाएंगे तो हर बार के यूज के बाद आपकी जो चाहत है उस चीज के प्रति वो हो क्या होगी कम हो जाएगी बेटा हां जी खत्म हो जाएगी जैसे कि जब लोगों के पास कार नहीं हो जब बचपन में मैं छोटा था तो भाई साहब क्या होता है मैं अपने डैडी से डेली कहता हूं तो मुझे साइकिल दिलाओ तो ऐसा लगता हूं साइकिल नहीं हवाई जहाज हो गया भाई साहब मेरे डैडी ने साइकिल दिला दी धूप हो रही पचास डिग्री तापमान भाई साहब बिल्कुल जो है ना लू चल रही है भाई साहब साइकिल खटखट खटक चलाए पड़े हैं भाई साहब उस जमाने में साइकिल चलाने का क्रेजी अलग था लेकिन जितना ज्यादा साइकिल चलाते गए चलाते गए चलाते गए चलाते गए तो क्या हुआ साइकिल चलाते चलाते ऊप गए तो क्या हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक समय आएगा जब आपको उस चीज के इस्तेमाल बेकार लगने लगेगा तो इसे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है याद रखेगा भाई साहब पहले साइकिल चलाने का क्या क्रेज होता था नाइनटीन के जमाने की बात बता रहे हैं भाई साहब साइकिल नहीं लोग लगता था कॉन्ड खरीद लिया भाई साहब है भाई साहब बिल्कुल लगा रहे हैं कारों से आ जाओ ठीक है हाँ जी साइकिल की रेस हो रही है कारों से अल्लू चल रही है पचास डिग्री तापमान उत्तर भारत में लेकिन साइकिल चलाने में लगे हैं भाई साहब ठीक है हम्म तो भाई जिस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते रहोगे वो उस चीज का जो मजा है आपको कम होता जाएगा जैसे कि मैं दिन भर में करीब दस कप चाय पीता हूं तो मैं दिन भर में करीब दस कप चाय पीता हूं तो जो मुझे दिन की पहली चाय होती है ना सुबह सुबह पीता हूं उसमें जो मजा है वो आखिरी कप में नहीं है क्यों क्योंकि पहली कप मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है आखिरी कप सबसे कम सेटिस्फेक्शन यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद रखेगा तो ये हो गया भाई साहब सी डी एस वन दो हजार अट्ठारह खल्लास खल्लास तो हो गया लेकिन अब अटॉपसी रिपोर्ट भी तो चाहिए होगी आपको हाँ जी अब आपको अटॉपसी रिपोर्ट भी तो चाहिए कल आ जाइएगा कल आपको रिपोर्ट देते हैं अटॉपसी की कल फ्राइडे कल दोपहर को बारह बजे आपको अटॉपसी की रिपोर्ट पकड़ा देंगे देखिएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो कल अटॉपसी की रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी देख लीजिएगा क्या कारण थे तो भाई साहब अब बस सौ लाइक में पांच की कमी है सौ लाइक में सिर्फ पांच की कमी है क्लास खत्म हो गई लेकिन ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया टोटल 120 में कितने मार्क्स आए बेटा 120 में कितने मार्क्स आए 68 एट शर्मा अगर इस पेपर में 68 आ रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया <coughs> हां जी बेटा ये इनिश देखो फर्स्ट डिमिनिश ये गलत है ना ये गलत है तो खत्म हो जाएगा याद रखिएगा हाँ जी बिल्कुल है अलिशान हैदर क्यों नहीं होगा भाई हंड्रेड लाइक लोगों ने पहुंचा दी है भाई साहब क्या बात है शाबाश थैंक यू चलिए भाई तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जुड़ जाइए ताकि अपडेट्स नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मिल सके ये बैच हमारा शुरू हो चुका है इसमें जीएस मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश डॉक्टर और मैं सुजीत सर अब देखो बेटा अगर तुम्हें सिर्फ रिविजन करना है एक महीने अगर तुम्हें लगता है कि भैया एक बार पेपर निकालोगे तीन महीने दो बार में निकालोगे छह महीने आराम से तैयारी करनी है बारह महीने ग्रेजुएशन में नए हो चौबीस महीने सबका फॉर्मूला है कि कौन सा तुम्हें लेना है क्यू ए लाइफ मेरा कोड याद रखिएगा बस शाम को छह बजे मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में आज पार्लियामेंट के क्वेश्चन होने वाले हैं और कल दोपहर को साढ़े तीन बजे प्रैक्टिकल जो है मंथली करंट अफेयर्स थैंक यू प्रतीक मोदी साहब मैं देख लिया आपका कमेंट लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है बेटा ठीक है इशू बेटा ट्वेंटी थ्री मार्क्स हैं बहुत कम है बेटा इशू मेहनत करो बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं दो बजे जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बच्चों थैंक यू